अवारणा, जैसे जैसे आप धमकी वीडियो देखते जाएंगे या धमकी के बारे में जानते चले जाएंगे, वैसे वैसे धमके पुराने शब्द आपको याद आते चले जाएंगे। पवारणा जो शब्द है वो बहुत मुख्य शब्द है और बहुत ही ज्यादा फेमस या प्रसिद्ध शब्द रहा है। आपने एक शब्द सुना होगा निवारणा, यानी निवारण। कहते हैं भाई इस समस्या का निवारण क्या है। निवारण का जो मतलब हम ये मानते हैं कि समाधान को बोलते हैं। बेसिकली निवारण का मतलब है निकालना, यानी कि इसको कैसे निकालें, निवारण करें, इसको कैसे हटाएं। हटाने को या निकालने को निवारण बोलते हैं। और बहुत सारा हटाना हो या बहुत सारा प्लूरल में, यानी कि अगर बहुवचन में है तो उसको निवारणा बोलते हैं। ये वारणा शब्द से बना हुआ है। वारणा का मतलब ही निकालना होता है और निवारण का मतलब है अच्छी तरह से निकालना। और अगर पूरी तरह से निकालना हो तो उसको पे लगा देते हैं, यानी पवारणा शब्द है पवारण। पवारण का मतलब है एक निकालना, और अगर सबको निकालना हो, बहुत को निकालना हो तो पवारणा बोलते हैं। इसको पवारणा भी बोलते हैं, यानी रे जो शब्द है वो बाद में जाके ने में भी आता है। तो पवारणा या पवारणा दोनों शब्द इसके चलते हैं, यानी निकालना। अब यहां निकालना क्या है, ये जो शब्द आता है पवारणा, ये आता है जब जो आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ के महीने में, जिसको आषाढ़ बोलते हैं क्योंकि पाली में ये आषाढ़ है। और आषाढ़ का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो, यानी आषाढ़ जो शब्द है उसका मतलब है मूसलाधार, लगातार बहुत ज़्यादा वृष्टि पड़े। वृष्टि का मतलब वृष्टि पड़े, बारिश पड़े या ओले पड़े, जो भी आसमान से गिरे, अगर वो लगातार टोरेंशियल, अगर वो पड़े, लगातार पड़े, घनघोर पड़े, तो उसको बोलते हैं आसार। तो उस महीने में बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आसार बोलते हैं इस महीने को। इस मास का नाम आसार है। जब आसार अपना पूरा ख़त्म हो जाता है और उसकी पूर्णमासी आती है, यानी लास्ट डे ऑफ आसार आता है, आखिरी दिन आसार का, उस दिन सारे भिक्खु, जितने भी आसपास जितने भी भिक्खु संघ होते हैं, वो सब जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान बुद्ध भी कहीं इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, वहाँ से एक आषाढ़ी पूर्णिमा का एक फेस्टिवल मनाते हैं, क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा ही बोलते हैं। उस दिन भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पहला देशना दी थी, पहली बार समझाया था जो उन्होंने सीखा उस वृक्ष के नीचे, उस बोधि वृक्ष के नीचे। तो इसको गुरु पर्व भी बोलते हैं या गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं या गुरु पूरनचंद भी बोलते हैं। ये टीचर्स डे है। तो उस दिन के बाद से जो सावन स्टार्ट होता है, सावन का मतलब होता है घोषणा, यानी घोषणा हो गई, सावन का महीना स्टार्ट हो गया। क्या घोषणा हो गई कि अब भिक्खु संघ 3 महीने वहीं रहेगा जहां वो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन है, यानी वहां से अब वो कहीं नहीं हिलेगा। और जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो उनको खाना उपलब्ध कराएंगे, वहां वो शिक्षा हासिल करेगा, और वो जो लोग हैं जो भी हैं वो विपस्ना साधना, जो भी शिक्षा है, जो भी सीखा है, वो उनसे सीखेंगे। 3 महीने का ये टेनोर होता है, पूरे 90 दिन का। ये भद्रपाद में चलता है। भद्रपाद का मतलब होता है जो कॉन्स्टिलेशन होता है, यानी तारों का समूह होता है, उसको भद्र बोलते हैं। वैसे भद्र का मतलब बहुत अच्छा, शुभ और मंगलकारी होता है। और पाद का मतलब होता है रास्ता, यानी पद जो होता है उसको पैर बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको पदा बोलते हैं। तो यानी भद्रपदा महीना, इसको पुट्ठपाद भी बोलते हैं या पुट्ठपदा भी बोलते हैं। उस महीने के बाद आता है असयुज का महीना। असयुज को अश्विन बोलते हैं, यानी कि इसको क्वार भी बोलते हैं, आम की जो बोलचाल की भाषा है, अश्विन बोलते हैं जो संस्कृत भाषा है, और असयुज बोलते हैं पाली भाषा के अंदर। असयुज का मतलब है ऐ सोच वाले, यानी कोई डर नहीं है, कोई सोच नहीं है, काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और विपस्ना साधना सभी की बहुत बढ़िया चल रही है। ये महीना जैसे ही खत्म होता है, यानी 2 महीने पूरे हो गए जो भद्रपदा का है और असयुज का महीना है, उसके बाद आता है अश्विन का महीना। अश्विन का महीना पूरा होने के बाद में जो पूर्णमासी आती है अश्विन की, यानी अब 3 महीने पूरे हो गए, तो अश्विन की जो पूर्णमासी आती है, यानी असयुज की जो पूर्णमासी आती है, उस पूर्णमासी के बाद में भिक्खु संघ अब जाने के लिए तैयार हैं। यानी जो टीचर हैं वो अब अपने अपने बिहार छोड़ने की उनको अनुमति है। 3 महीने का वर्षावास का, यानी वर्षा का समय पूरा हो गया है, अब वर्षा जाने वाली है, यानी जितना भी अब बारिश का मौसम है वो बदलने वाला है, इसलिए अब वो जा सकते हैं, उनको अनुमति है। मगर जाने से पहले उनको एक
काम करना पड़ेगा, उनको पवारना करनी पड़ेगी। ये जो पवारना है, उनको पवारना का मतलब निकालना है। क्या निकालना है? पवारना का मतलब होता है, निकालने का मतलब होता है कि जो 3 महीने तक वहां उन्होंने दोष कर्म किया है कोई भी, या किसी कर्म में उनको दोष होने का संदेह है, या जाने अनजाने में कोई दोष कर्म उनसे हुआ है, पाप कर्म उनसे हुआ है, जो 227 नियम है भिक्कू के उनमें से कोई टूटा है, या 311 जो नियम है भिक्कुणी के उनमें से कोई टूटा है, या कोई ढीला पड़ा है, या जिसमें कहीं संदेह है, तो सारा भिक्कु संघ इकट्ठा होता है। और सारा भिक्कु और भिक्कुणी संघ जब इकट्ठा होता है तो वहां एक एक आदमी को उकड़ू बन के बैठना होता है, एक एक भिक्कू को और भिक्कुणी को, और वहां पर वो अपने जो भी कोई ऐसा संदेह है या जो दोष है या अगर उससे कोई पाप हुआ है तो वहां वो उसको बताता है। उसके अनुसार वहां जो संघ है वो नियम उसके बने हुए हैं, उसके हिसाब से वो तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब वो उसको पूरी तरह से दोष मुक्त बोलते हैं तब उसको पवारना बोलते हैं। पवारना का जो फेस्टिवल है वो बेसिकली भिक्कू और भिक्कुणी के लिए है कि वो जब जनता के बीच जाएं, पब्लिक के बीच जाएं, या लोगों के बीच जाएं, या जो जहां भी जाके वो टीचिंग करेंगे, तो उस समय वो पूरी तरह से शुद्ध मन का मन होना चाहिए, कोई दोष ना रहे। क्योंकि अगर कोई दोष रहेगा या कोई शिक्षा में कमी रहेगी सीखने में कमी रहेगी तो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे। इससे शिक्षा ही अगर प्योर नहीं है, अगर मन ही शुद्ध नहीं है, तो वो आगे भी अशुद्ध ही पढ़ाएंगे। इसलिए पवारना का जो फेस्टिवल है या उत्सव है या जो कार्यक्रम है या जो इसका एक तरीका है, प्रोसीजर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है भिक्कु संघ को और भिक्कुणी संघ को। और वहाँ जो लोग उनके लिए ऑफरिंग्स लेके आते हैं, जिनमें 8 तरह की चीज़ें होती हैं, जिसमें 3 तरह के कपड़े होते हैं और 1 तरह का कमरबंद होता है, यानी चीवर होते हैं। चीवर के 3 अंग हैं, एक ओढ़ने की संघाटी है ठंड से बचाने के लिए, एक कमरबंद है, एक ब्लेड है या उस्तरा है, एक पानी छानने का कपड़ा है, एक सुई धागा है, और एक चीवर पात्र है, यानी कि जो भिक्षा पात्र है, एक पात्र। ये 8 चीज़ें उस जमाने में लोग उनको दिया करते थे, क्योंकि पुरानी हो गई हैं, फट गई हैं, तो उनको देना होता था, तो लोग आसपास लेके आते थे और वो उनको पूरी सेवा उनकी करते थे। ये ट्रेडिशन इसलिए बना क्योंकि पहले ऊबड़ खाबड़ रास्ते हुआ करते थे, आज की तरह पक्के मकान नहीं होते थे, कहीं नेट इंटरनेट या टेलीफोन नहीं होते थे, कहीं वीडियो या कहीं किताबें नहीं होती थी, कहीं कोई अक्षर नहीं होते थे। अपनी बात को कहने का एक यही तरीका था कि जो हमने सीखा है उसको हम माउथ स्पीकिंग यानी मुंह से बोलकर उसको बताएं। मुंह से बोल के बताने का आपने देखा होगा, जगह जगह लोग भाषण करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भाषण माने बोलना होता है, बोलते रहते हैं, जगह जगह बताते रहते हैं, टीवी है, रेडियो है, वो भी बोलकर बताते हैं, वीडियो देख के बताते हैं। आज की डेट में तो नेट है, आप कोई भी चीज़ अपने यहाँ लोड कर सकते हैं और जब आपका मन करे तब देख सकते हैं। जैसे टीम 22 की जो वीडियोज़ हैं, लोग अक्सर जो मैंने डाटा देखा है 9:30 से लेके और 11:30 के बीच में रात में मैक्सिमम खाना खाने के बाद देखते हैं। तो अभी तो सुविधा है, मगर पहले सुविधा ऐसी नहीं थी। इसलिए पवारना का जो ट्रेडिशन है या पवारना की जो परंपरा है तब से चली आ रही है। अभी इसका उद्देश्य उनके लिए ठीक है जो इसी तरह की टीचिंग करते हैं, यानी जहाँ रुकने का या साधन नहीं है, इसको परंपरा बना के आगे बढ़ाने से टीचिंग आगे रुक जाएगी, क्योंकि उस टीचिंग का इम्पैक्ट बहुत कम आता है। आज टीचिंग के जो मीन्स हैं, जो तरीके हैं, वो बहुत वाइड हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, और भिक्कू और भिक्कु संघ अधिकतर नेट, मोबाइल और इंटरनेट और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। हजारों वीडियोज़ भिक्कुओं ने, भिक्कुणों ने और उपासकों ने बना के नेट पर डाली हुई हैं, हजारों भाषाओं में ये पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में धम्म को पढ़ाने का तरीका अब यही आ गया है, मगर फिर भी ट्रेडिशन है, लोग उसको मानते हैं। एक उत्सव हो जाता है, लोगों का मिलना हो जाता है, लोगों का जुलना हो जाता है, लोगों में उल्लास और उमंग होती है, मौसम बदल जाता है, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है, इसको करना चाहिए। इस बहाने आप उपोषित करेंगे तो एक दिन में आपका मन का शुद्ध होगा, वहाँ विपसना करेंगे, बिहार में मिलने जाएंगे, भिक्कों से कुछ ना कुछ होगा, तो इसको अच्छी तरह से धूमधाम से इस लिहाज से मनाना चाहिए कि हमारा एक असेंबली, एक गैदरिंग होने वाली है और हम अपनी ऊर्जा के संचार को बढ़ाने वाले हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि जो नियम पुराने पड़ जाएं या जो काम ना करें उनको छोड़ा जा सकता है, ये आनंद को उन्होंने लास्ट समय में कहा था। और भगवान बुद्ध जो नियम बनाते थे वो जैसे समय में जो भी कठिनाई आती थी उसी कठिनाई के अनुसार बनाते थे। जैसे पवारना के अंदर उन्होंने कहा कि भिक्कू और भिक्कुणी जा सकते हैं अगर कहीं कोई काम पड़े, नियम उनके बनाए हैं, वो 7 दिन में लौट के आ सकते हैं, 5 भिक्कू या 5 भिक्कुणी जाएंगे, जो काम है वो काम भी बताए हैं कि किस काम के लिए जा सकते हैं और आ भी सकते हैं।
वहाँ जितनी भी समानताएं या असमानताएं आई हैं उन सबके उन्होंने नियम बनाए हैं, कौन कैसे बैठेगा, क्या बात करेगा, क्या चीत करेगा, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, इस नियम को कब थोड़ा ढीला करना है, कितना ढीला करना है, वो सारे नियम उन्होंने बनाए हैं। बीच बीच में जितने भी मॉडिफाई, यही भगवान बुद्ध की टेक्निक की खासियत है कि समस्या जैसे आती है वैसे ही वो समाधान उसका बताते हैं, और यही उन्होंने बताया है। धम्म बंद किताब नहीं है, धम्म ऐसा नहीं है कि अगर त्रिपिटक में कुछ लिख दिया या विनय पिटक में ये लिख दिया कि पवारणा के ये सिद्धांत हैं तो वही माने जाएंगे। दुनिया जैसे बदलती है, समय जैसे बदलता है, संसाधन जैसे बदलते हैं, टेक्निक जैसे बदलती है, धम्म अपने आप को वैसे ही बदल लेता है। मगर धम्म के जो 5 सील हैं वो बिल्कुल अजर और अमर हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य रहेगा वो सील नहीं जाएंगे। और जो भिक्कुओं के 227 सील हैं और जो भिक्कुणियों के 311 सील हैं वो भी चेंज नहीं हो सकते, उनके तरीके चेंज हो सकते हैं मगर उनके पीछे जो अर्थ है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कारण के ऊपर आधारित हैं, वो संसाधन और समय के ऊपर आधारित नहीं है। कारण जब तक वो रहेगा वो नियम विनय के नियम चलते रहेंगे। आप विनय पिटक में वो सारे नियम आज की डेट में हिंदी में हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पवारणा का बहुत बड़ा चैप्टर उसके अंदर दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। पवारणा पूरे महीने चलती है, यानी कि कार्तिक महीने में, जो कार्तिक महीना है जिसको कार्तिक महीना बोलते हैं, इसमें कार्तिक पूर्णमासी तक ये चलेगी, जो गंगा स्नान तक आती है। गंगा स्नान फेस्टिवल तभी पड़ा जब अपना काम सारा खत्म हो गया और भिक्कु चले गए और आप अपना खेत में सारा काम कर ले, तो उसके बाद ऐसा बोला गया कि अब हमने गंगा स्नान कर लिया। गंगा का मतलब पाली के अंदर रिवर होता है, नदी होता है, यानी नदी को और रिवर को पुराने समय में सभी को गंगा बोलते थे। जहाँ से भी पानी बह के आता था उस सारे बहते हुए पानी को गंगा बोलते थे, और गंगा के साथ में एक नाम और चलता था, जैसे वर्ण गंगा है, वर्ण का मतलब है रंग होता है, जैसे रंग वाली गंगा है, अगर कहीं कोई रंग इसमें मिल जाता है, जैसे पानी कई बार गंदा होता है तो उसको वर्ण रंगीन भी गंगा बोलते हैं, यानी रंगीन रिवर भी बोलते हैं। तो एवर्ण वाली भी होती है, जहाँ बिल्कुल शुद्ध पानी होता है उसको एवर्ण गंगा बोलते हैं, बाद में इसको वर्ण गंगा करके बोला गया। तो गंगा जितना भी शब्द है वो नदी के लिए और रिवर के लिए आता है, इसलिए गंगा हमारे लिए बहुत मान्य शब्द है और बहुत ही आदरणीय शब्द रहा है, क्योंकि रिवर जो होती हैं, गंगा जो होती हैं सारी की सारी, वो हमारे लिए जीवन लेके आती हैं, खाना पानी लेके आती हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय, सम्मानीय और वंदनीय होती रही हैं प्राचीन काल से, ये कल्चर रही है पूरे पूरे भारत की। ये फेस्टिवल हर साल दशहरे के 5वें दिन आता है, यानी कि जब दशहरा आता है, धम्म अशोक धम्म विजय दशमी आती है, उसके बाद में 5 दिन बाद ये पवारणा का जो उत्सव है ये आरंभ हो जाता है, और पूरे महीने, कार्तिक के पूरे महीने चलता है। हर साल जब भी विजयदशमी आएगी, विजयदशमी के बाद में 5 दिन बाद जो पूर्णमासी आएगी, जो अश्विन की या असयुज की जो पूर्णमासी है, उसके बाद से पवारणा आरंभ हो जाती है और कार्तिक पूर्णमासी तक चलेगी, जब तक गंगा स्नान आएगा तब तक चलेगी। धन्यवाद।